आजम खान की पत्नी और सपा प्रत्याशी तमजिल फातिमा की चुनावी जनसभा, प्रशासन पर जुल्म करने की बजाय यह आरोप। यूपी के रामपुर में आज सपा प्रत्याशी तंजीम फातिमा की एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर, जिसमें सैकड़ों महिलाओं को संबोधित कर वोट मांगे, साथ ही सियासी इंजाम को पुलिस प्रशासन की ओर प्रशासन को आड़े हाथों में लिया, कई बड़े इंजाम भी लगाए। वहीं तंजीम फातिमा ने अपने पति मोहम्मद आजम खान पर लगे नाजायज मुकदमों को लेकर सभा में बताया, कहा, हमारे पति पर प्रशासन ने बकरी चोर, मुर्गी चोर, भूमि चोरी, भैंसे चोरी जैसे अनेकों झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। हमारे ऊपर इन 3 महीनों में इतना जुल्म किया गया है कि कोई और होता तो टूट जाता, पर हम टूटे नहीं, झुके नहीं। हम प्रशासन का सामना कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप लोगों की अपील है कि आने वाली 21 तारीख को सपा के साइकिल पर निशान का बटन दबा कर हमें विजय बनाए, ताकि हम पर हुए जुल्मों का हिसाब लिया जा सके। तकरीबन 8 से 3 महीने पहले तक तो आजम साहब का शुमार बहुत ही शरीफ लोगों में हुआ करता था कि बहुत ही शरीफ हैं, लेकिन पार्लियामेंट का इलेक्शन जीतने के बाद ही आजम साहब पर एक एक दिन में 8-8, 10-10 मुकदमे लगाए गए, 85 मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए और उन्हें भूमाफिया घोषित किया गया। खुद मेरे ऊपर 4-5 मुकदमे लगाए गए, झूठे और फर्जी मुकदमे, और हमारे घर को पूरी तरह बर्बाद करने की साजिश की गई, यहाँ तक कि मेरे बेटों तक पर फर्जी मुकदमे लगाए गए। अब मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि मुकदमे किस तरह के लगाए गए, भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, यानी NDTV में रवीश कुमार जी ने ये तक कह दिया कि अगर चोरी की कोई और किस्म होती हो तो वो भी रामपुर की पुलिस को बता दी जाए, ताकि वो भी मुकदमा लगा दिया जाए आजम साहब के ऊपर। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि हम पर तो हमें अपमानित करने के लिए पुलिस ने मुकदमे लगाए भी हैं, लेकिन इससे पुलिस की भी ओछी मानसिकता की झलक मिलती है कि किस मानसिकता के तहत उन्होंने एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी रामपुर के विकास के लिए लगा दी, उसके ऊपर ये मुकदमे लगाए हैं। आज़ादी के बाद से लेकर हमने तो रामपुर में विकास के में का किसी के भी नाम का कोई पत्थर लगा हुआ नहीं देखा है।